अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शास किचन। आज की रेसिपी है पिज़्ज़ा बर्गर की, वो भी टू वे रेसिपी है। दो तरह से हम बनाएंगे पिज़्ज़ा बर्गर, बहुत ही आसान सी रेसिपी, झटपट तैयार होने वाली। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए जो हमने लिया है ब्रेस्ट पीस लिया है, हमारे पास फिलेट है ब्रेस्ट का। और अब हम इसको करेंगे हैमर की मदद से, थोड़ा सा हम इसको कूटेंगे ताकि पतली हो जाए। और फिर हम इसमें डाल लें अपनी मर्ज़ी के मसाले, जैसा हमें टेस्ट चाहिए। तो हमने लिया है सॉल्ट है, ब्लैक पेपर, रेड चिली पाउडर है, अच्छा चिली सॉस है, थोड़ा सा सिट्रिक एसिड है, और हमारे पास क्रीम है, मिल्क पैक, ये सारी चीज़ें हम डालेंगे चिकन के ऊपर। और इसको हम अच्छे से मिक्स करके इसको मैरिनेट होने के लिए रखेंगे थोड़ी देर के लिए। अच्छा, जब तक हम दूसरी चीज़ें तैयार करते हैं, जिसमें शिमला मिर्च है, प्याज है, ब्लैक ऑलिव है, टमाटर है और एलापिनो है, ये हम सारी चीज़ें चौकोर चौकोर क्यूब्स में इसको काट लेंगे हम। और जब चिकन मैरिनेट हो गई है, हमने पैन में हल्का सा तेल डाला है, इसको ब्रश की मदद से फैलाएंगे, आप देख सकते हैं। और फिर हम इस पर चिकन के फ्लिप रखेंगे और इसको हम दोनों साइड से अच्छे से पका लेंगे। चले जी, ये पक चुका है। हमारे पास है पिज़्ज़ा सॉस है, रेडीमेड पिज़्ज़ा सॉस है, आप घर में भी बना सकते हैं। और ऑरिगैनो है हमारे पास, चेडर चीज़ है, मोज़रेला चीज़ है जिसको हमने श्रेडेड कर लिया है, और है हमारे पास स्लाइस चीज़। अच्छा, अब आप चाहे तो इसको माइक्रोवेव में भी बना सकते हैं, हम यहाँ पे इसको पतीले में भी बना रहे हैं। और इसके लिए हमने बेस के अंदर नमक को बिछा दिया, उसके ऊपर हम स्टैंड रखेंगे, ठीक है। और एक हमारे पास बेकिंग ट्रे है, वो हम इसके ऊपर रख देंगे और हम इसके ऊपर ढक्कन ढक के इसके अंदर स्टीम बनने देंगे। और हमारे पास है बर्गर बन, किसी भी कंपनी के ले सकते हैं, जो आपको पसंद हो। इसे हम लेंगे, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पिज़्ज़ा सॉस को लगाएंगे बन के ऊपर, चिकन फ्लिट रखेंगे, ऊपर से हम डालेंगे श्रेडेड मोज़रेला और चेडर चीज़। और जो हमारे पास दूसरी वेजेस थी जिनको हमने क्यूब्स में काटा हुआ था, वो सारी की सारी हम इसके ऊपर रख देंगे। और जो अपर साइड होगा बन का, उस पर भी हम यही प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। अच्छा, आप चाहे तो इस तरह से सिर्फ चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ से भी बना सकते हैं पिज़्ज़ा बर्गर। अगर आप चाहे तो जो स्लाइस चीज़ होती है उससे भी बना सकते हैं, चाहे तो दोनों मिक्स कर सकते हैं, ये आपके टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। स्टीम बन चुकी है पतीले के अंदर, हमने इसको हल्का सा ऑयल से ग्रीस किया है, बर्गर को रखेंगे, अगेन हम इसको ढक देंगे और पकने देंगे जब तक दूसरा पिज़्ज़ा बर्गर स्टार्ट करते हैं बनाना। सेम वैसे ही सब कुछ होगा, सिर्फ ये है कि इसके अंदर एडिशनल स्लाइस चीज़ जो है हमारे पास, वो हम इसके अंदर डालना। अच्छा, पतीले में बनाने का मकसद ये होता है कि हर कोई माइक्रोवेव ओवन अफोर्ड नहीं कर पाता है, तो क्या वो कभी पिज़्ज़ा बर्गर ना खाए। अक्सर लोग होते हैं, उनका दिल करता है कि घर में बनाए हम इसको खाएं। तो पतीले में बनाने का मकसद यही है कि आप इसको पतीले में भी बना सकते हैं, कोई इतना मुश्किल काम ये नहीं है। और देखिए, पहला वाला पिज़्ज़ा बर्गर देखते हैं हम कैसा लग रहा है, और आप देख सकते हैं कितना यमी सा लग रहा है। सेम इसी प्रोसीजर के साथ हम दूसरा भी बनाएंगे। और ये दूसरा पिज़्ज़ा बर्गर भी हो चुका है तैयार, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।